अरे आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, क्या है भाई? बस कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप तो भाई बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया। बुला यार किसी को भाई। अंताक्षरी टीम में लॉबी में घुसा हुआ है, बाहर ही आ रहा है। इसको बुलाता हूँ। अच्छा, एक डार्क सोल करके यूट्यूबर है, उसके साथ ऐड हो गए। अरे क्या डार्क सोल करके यूट्यूबर क्या है? है वो भी, वो कौन? डार्क सोल गेमिंग चैनल है उसका। सॉरी। तो भाई मतलब वो क्या है, मतलब अभी है तेरी फ्रेंड लिस्ट में है क्या? हाँ जी, फ्रेंड लिस्ट में है बट उसकी लॉबी फुल हो गई। अरे कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं। क्या करना फिर हम दोस्त वर्सेस स्क्वाड खेलें? आपको लीडर बना देता हूँ। मेरे को क्यों बना रहा है आप डिसाइड कर लो। भाई? तू कर दोस्त वर्सेस स्क्वाड कर दे। एक खेलते हैं बढ़िया सा मैच, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छे से खेलेंगे भाई, बढ़िया से। मैं भी कल खेला था, सही खेला था। थोड़ा सा आज रैंक पुश करना है भाई। और भाई स्टोर अप्रैल तक खोल लोगे, मतलब अप्रैल के अंदर तक क्या कर लूंगा? जो आपने स्टोर खोलना था ना, गेमिंग स्टोर में। हाँ भाई उस पे काम चल रहा है, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचता है। तो फिर मैं एक बार वो जो डेज गोन है वो कालडा वाले से ही ऑर्डर कर दूं। नहीं, रुक जा अभी। ओके, 3650 की लगा रहा है, हाँ बाद तो में बस ठीक है, रखता है उससे कम की नहीं पोस्टर रही तेरे पे। को, उससे कम की भी लेगी, रुक जा अभी। और भाई पहली बात तो ये, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लोग अभी हमें देख रहे हैं। अच्छा, लाइव चल पड़ा क्या? नहीं लाइव नहीं अभी है ये, चला था रिकॉर्ड कर क्या? रहा हूँ मैं, प्रीमियर करूँगा तो इसलिए। ओके ओके, अभी सरप्राइज़ है भाई सबके लिए, जो लोग अब थोड़ा बहुत समझ चुके हैं उन लोगों को बता दूँ भाई, सरप्राइज़ है अभी मिलने वाला, बहुत जल्दी काम चल रहा है हर चीज़ पे। वैसे वो कैजुअल दूसरी बातें तो कर सकते हैं। जैसे यार आज आपने वो एक वीडियो डाली थी ना गॉन रॉन्ग वाली, क्या गॉन रॉन्ग? आज नहीं आपने शायद कल डाली थी। हाँ कल डाली थी। जैसे वन प्लस लिखा हुआ था उसके बाद गॉन रॉन्ग लिखा आ गया था, पबजी खेल रहे थे आप लोग, मुझे समझ नहीं आया रैंक क्या रंग पुश, है रैंक उनका। पुश गॉन रॉन्ग। अच्छा, मतलब सही से पूछ नहीं हुआ क्या? हाँ मतलब रैंक पुश करने की कोशिश तो करी भाई, लेकिन हो नहीं भाई ढंग से पुश। ठीक है ठीक है। यार छत पे भी नहीं उतर पाएंगे इसको ना। मेरा बंदा छत पे उतर गया उल्टा। हा। पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे घर में इस कारल मिल गई, पहली बार मेरे साथ ऐसे भाई, कभी नहीं सालों में हुआ। बरसों में पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे साथ 2 महीने पहले ऐसा हुआ था कि एक ही घर में घुसा, साथ के साथ ही M416 और एक ही मिल गई पहले घर में, वो भाई भी बचिंग थी। साहब भाई इतनी खुशी मिलती है अंदर, इतना सुकून मिलता है ना, मेरे को बताया नहीं सकता। इस समय बाकी ऐसा लग रहा है कि भाई भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं।
सिक्योर फील होता है ना, ऐसा लगता है कि ये वो पता भगवान का हाथ है होता इस मैच पे। ले बेटा ले ले, लेकिन अब कोई आस पास उतरा नहीं है तो किसको ठोके। वाकई यार, एक भी बंदा नहीं उतरा अभी तक तो। होंगे तो जरूर कुत्ते यहाँ पे कोई ना कोई, हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो मिलता ही है, चाहे बॉट ही मिले। गेट बंद कर दो, पानी का ग्लास है, गुस्सा ना करो। एक भाजी मैं कह रहा था कि मुझे अभी तक नहीं गन मिली, कोई भी गन दिक्कत हो इधर रही। आ, M16A4 ले ले, मेरे से ले ले। हाँ वही चल जाएगी, एक गन तो पास में। I got supplies. यहाँ पे इसकी 60 गोलियां भी ड्रॉप कर दी मैंने, हाँ इधर करी है ड्रॉप। मिल गई गोलियां, मिल गई। जी मिल गई। प्रेशर मिल गया, यार हद है। मुझे तो अभी तक नहीं गर्मी मिली, अगर आपने ना दी होती तो फिर बस हो जाना था काम। भाई मुझे खुद नहीं मिली, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट गन, मेरे को एक शॉर्ट गन मिली है। ओ UMP मिली है। अब पता नहीं इनको क्या, ये पता लगा लेते कि भाई हम पर इतने बंदे आए नहीं, हम पर लूट ही डालनी। हाँ सच्ची में भाई ऐसे कुछ होता है। बिल्कुल सही बात बोली तूने कि इनको पता चल जाता है यहाँ पे बंदे नहीं आए हैं तो लूट मत डालो। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कई बार, जॉर्ज बॉल भी उतर जाते हैं ना जब, मतलब ज़्यादा बंदे नहीं आते, एक आधी टीम आती है तो एक स्नाइपर भी तक नहीं मिलती जॉर्ज बॉल में। लगी मेरे को छोड़, भाई आप तो बॉट भी नहीं मिला अभी तक यार, व्हाट द फक मैन। हाँ हम मिली M416, और अगर स्नाइपर मिली है तो बता देना, मेरे पास एटेक्स है। बॉट नहीं मिली तो भाई, तभी आएंगे जब अपने गोलियां चलाएंगे। तो भी गोलियां चलाओ बढ़िया। यार 54 बंदे रह गए हैं सिर्फ, हमने एक बंदा नहीं मारा अभी तक, ये कैसे। इसका मतलब पुचिंग की अब हॉट लोकेशन नहीं रही इस गेम की, है ना। हाँ कहाँ रही पुचिंग की यार, ये भी एक जमाने की बात है। टूरिस्ट स्पॉट में रहा पुचिंग की अब। अब मेरे ख्याल से जॉर्ज और नोवो हो गए हैं ना। हाँ जी मिलिट्री में भी आजकल काफी लूट मिलने लगी है, मिलिट्री भी जल्दी बन जाएगा। मिलिट्री तो है ही है भाई, मिलिट्री में जो 3 बिल्डिंग है ना वो तो बहुत ज्यादा वो हो गई है, नोटिस में आते हैं और वो लोग। लूटेड है वो, चक्कर उसमें वो पड़ जाता है ना बस, कि ब्रिज कैंपिंग वगैरह और ये सब, इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते लोग। ये भी है भाई। अच्छा भाजी क्या लगता है अभी जैसे PlayStation 3 की, मतलब वो मेंबरशिप वगैरह में गेम्स नहीं डालते ना, अब PlayStation 4 में अच्छी गेम्स डालनी शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा PlayStation 3 में अच्छी वो गेम्स वगैरह 2 मंथ वाली डालनी बंद कर देना, और PS4 भाई में अच्छी देख गेम्स डालनी वो शुरू बात नहीं करेंगे। होती कि उसकी वजह से अच्छी गेम वहाँ डालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको डालनी चाहिए क्योंकि अब ये कंसोल एंड ऑफ लाइफ साइकिल पे है बिल्कुल।
अब अगर इनको थोड़ी बहुत भी देखो प्ले देख, कंपनियां पता कैसे सोचती हैं, कंपनी जैसे सोचती हैं कि चाहे प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट क्यों ना हो रहा हो लेकिन सेल उसकी बरकरार रहे, मतलब सेल ना कम हो। मतलब सोनी कभी नहीं चाहेगी कि लोग नेक्स्ट हमारी प्लेस्टेशन के लिए अपने पैसे बचाना शुरू करें, वो ये चाहेगी कि ये वाली तो लो ही लो, साथ में वो भी ले लेना। सही है, सही है। तो इसलिए अब उनको इस रीजन की वजह से अच्छी गेम्स पुश करनी पड़ेगी कि इस समय उसकी सेल कम ना हो, मतलब लोग ये सोच के पीछे ना हटे कि चल अब तो नहीं आने वाली तो इसको क्या लेना अभी। ये बहुत जस्टिफाइड आंसर है। और ये तभी पॉसिबल है जब वो अच्छे अच्छे ऑफर और दें या डिस्काउंट और करें, सब कुछ करें। अरे यार, वैसे मतलब इतना पावरफुल कंसोल लॉन्च करते हैं ना, ठीक है, सारा कुछ पावरफुल होता है, गेम्स तब अच्छी डालते नहीं है बिल्कुल, जब लाइफ सर्कल के मतलब एंड में आ जाती है तब उसका भी अच्छी तेरे को होती है आंसर बताया बिल्कुल। था भाई, उसका भी आंसर बताया था तेरे को, मैं बताया था इसका बहुत ही अच्छा आंसर है और इसके ऊपर मैंने खुद रिसर्च करी है कि ऐसा क्यों होता है कि एंड ऑफ लाइफ साइकिल में आपको गेम्स ऐसे ऐसे देखने को मिलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस कंसोल पे चल सकती थी। जैसे कि प्लेस्टेशन 3 पे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि लास्ट ऑफ अस जैसी गेम चल भी पाएगी, या वो GTA 5 को सपोर्ट भी कर सकती है चाहे थोड़े से कम ग्राफिक्स थे, लेकिन उस समय भाई बहुत अनरियलिस्टिक से लग रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लेस्टेशन 3 पे GTA 5 चल रही है। ऐसे सोचा जाए तो देखो, अनचार्टेड 1 निकाली है ना, इतने घटिया ग्राफिक्स, उसके बाद मतलब 2 के बाद जब 3 आई वही चीज समझ में नहीं आती कि भाई मैं तेको कैसे बताया इतने था ना उसका ग्राफिक्स रीजन क्यों बताया निकाले। था भाई, होता ये है कि जब भी कोई हार्डवेयर लॉन्च होता है ना उसको पूरी तरह से डेवलपर्स एकदम से नहीं समझ सकते, क्योंकि देख हार्डवेयर बनाने वाली टीम अलग होती है और गेम बनाने वाली टीम अलग होती है, ठीक है, दोनों का आपस में अच्छा बहुत अच्छा कम कोऑर्डिनेशन होता है, अभी तक तो बहुत कम कोऑर्डिनेशन होता आया है। कहाँ गया ये बंदा चूतिया, अरे मैंने जिसको लपेटा था वो कहाँ गया, पता नहीं, मूवमेंट तो हो रही है जरा जरा, फुटप्रिंट्स आ रहे हैं लेकिन। एक मिनट, बंदा ही था ना बहुत। ये रही, ये रही, ये रही। हाँ जी, अब बताओ, हार्डवेयर का समझना मुश्किल होता है उनके लिए। भाई बहुत ज्यादा उनके होता क्या है देख मैं बताता हूँ देखो सीन क्या होता है कि जब नई गेम लॉन्च हुई तो ये क्या है, ओ भाई लेजेंडरी चीज दे दी तूने मेरे को। तो जब कोई कॉन्सोल लॉन्च होता है ना प्लेस्टेशन 3 जैसे जैसे लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर जो प्रोसेसर था ना वो प्लेस्टेशन 3 फेमस था सेल प्रोसेसर के लिए, ठीक है। सेल प्रोसेसर का क्या काम अच्छा होता था कि उसके अंदर प्रोसेसर के ना 6 कंपोनेंट्स थे, तो कह सकता है एक तरह से 6 कोर थी, ठीक है। उन अच्छा छे के अच्छा 6 कोर में से एक कोर कंट्रोल करती थी फिजिक्स को, एक कोर कंट्रोल करती अच्छा थी जो एनिमेशंस होती हैं जो ऑनलाइन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है एनिमेशंस को, एक कोर कंट्रोल करती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक कोर कंट्रोल करती थी ऐसे अलग अलग चीजें वो कंट्रोल करती थी, ठीक है, एक कोर रैम मैनेजमेंट ये सब। शुरू में जब थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह जैसे बनाई जो हर हर कॉन्सोल पे चल सके, एक्सबॉक्स पे भी चले पीसी पे भी चले, उन्होंने सेल प्रोसेसर का यूज ही नहीं करा क्योंकि उनको लगता था कि यार ये तो ये चीज हम क्यों यूज करें जब हमारी जब गेम में जो चीजें हम चलाना चाहते हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है प्लेस्टेशन के लिए कि हम इसको यूज करें उसको इम्प्लीमेंट करें, उन्होंने यूज ही नहीं करा पहले, उन्होंने नॉर्मली उन प्रोसेसर कोर्स को नॉर्मल कोर्स की तरह यूज किया कि ये सिर्फ कोर्स की तरह काम करे अच्छा जैसे एक अच्छा प्रोसेसर ठीक की कोर काम करती है। और बाद में जब नॉटी डॉग वगैरह ने अनचार्टेड 1 बनाई ना तो अनचार्टेड 1 की पूरी उनकी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, वो लिंक भेजूंगा, उसमें उन्होंने बोला है कि अनचार्टेड 1 वाली टीम जो थी हमारी बंदा है हो गया एक मिनट, मैं नीड करता हूँ। ध्यान से। अरे अभी इधर अंदर, अबे भाई सेट सेट सेट, अरे यार भाई मैंने ध्यान नहीं दिया बातों बातों में, मैं साइड में खड़ा था चुतिया, महान प्लेयर था भाई लेकिन तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे यार चल छोड़, मैं ये कह रहा हूं कि तो अनचार्टेड 1 की जो टीम थी ना नॉटी डॉग अनचार्टेड, वाली हाँ
उनको उनको भी पूरी उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती थी समझ में। उन्होंने इसलिए जो गेम बनाई अनचार्टेड वन वो ऐसी, तो देखा होगा जमीन आसमान का फर्क है ग्राफिक्स में अनचार्टेड वन और टू के। उन्होंने पता क्या बहुत ही बोला, ज्यादा उन्होंने बोला फर्क। हम अनचार्टेड वन में प्ले स्टेशन 3 के प्रोसेसर को सिर्फ 45 से 50% यूटिलाइज कर पाए पूरी गेम में। ओह माय मतलब वो गॉड, प्रोसेसर अपनी 50% कैपेबिलिटी पे काम कर रहा था उस जो गेम को चला रहा था। कह रहा था, कह रहे जब हमने अनचार्टेड 2 करी डेवलप तो हम उसको ले गए थे पार करके 80 to 90% पे। और कभी कभी हो रहा था कि कुछ पार्ट्स में ऐसा था जब ट्रेन वाला सीन वगैरह था तो वो 100% पे पीक कर जाता था प्रोसेसर। कह रहे जब हमने अनचार्टेड 3 बनाई ना तो हमने शुरू से ही इस तरह से गेम को डिजाइन किया कि प्रोसेसर पूरी गेम में शुरू से लेकर एंड तक 100% कैपेसिटी पे वर्क करे, और इस तरह से ऑप्टिमाइज तो करिए कि 100% कैपेसिटी भी वर्क करे और साथ में लैग भी ना दे बिल्कुल भी। और तेरे को पता इनको है ये चीज मतलब, हाँ जी प्लेस्टेशन 3 में कितनी रैम थी तेरे को पता है? ना, 512 MB भाई। इतनी कम रैम। हाँ जी, प्ले स्टेशन 3 की रैम ऑफिशियली चेक कर लियो गूगल पे, और जो लोग देख रहे हैं भाई चेक कर लो गूगल पे जाके। PS3 रैम एक्चुअली में 256 MB ही रैम थी जो गेमर्स के लिए अवेलेबल थी, लेकिन हुआ क्या था दो पार्ट्स में डिवाइड थी रैम। 256 MB थी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जिसपे प्ले स्टेशन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, और 256 MB थी गेम डेवलपर्स के लिए। बाद में सोनी ने क्या किया, सोनी ने एक फर्मवेयर अपडेट निकाला था, मेरे को वर्जन नंबर नहीं पता, उसमें उन्होंने सिस्टम मेमोरी में से और 128 200 MB निकाल के गेम डेवलपर्स को दे दी थी, और सिस्टम सिर्फ रन करता था फिर 50 MB पे। उन्होंने ऑप्टिमाइज करा था सिस्टम को। तो ये सब चीज़ें भाई टाइम के बाप साथ रे ही एडवांस बाप, होती हैं हर 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 कॉन्सोल में। और ये यार कॉन्सोल की सारी बात नहीं है, मतलब पीसी में भी ऐसे ही होता है, मोबाइल फोन्स में भी ऐसे होता है बस, लेकिन मोबाइल फोन और पीसी की टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि वो हर साल बदलती है, कॉन्सोल में ऐसा नहीं होता। कॉन्सोल में डेवलपर्स के पास टाइम होता है पूरा अच्छे से समझने का, और अगले साल या 2 साल बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का भी। लेकिन पीसी में और मोबाइल में ये टाइम नहीं होता बिल्कुल भी डेवलपर्स के पास। तो भाजी ये चीज़ तो मतलब उनको, मतलब सोनी वगैरह वालों को या जिनसे भी उन्होंने हार्डवेयर बनाया, उनको खुद ही मतलब कहनी चाहिए ना कि ये डेवलपर्स को बताओ भाई भाई, मैं क्योंकि बताता हूँ अब क्या हो रहा है, PlayStation 4 के टाइम पे भी और PlayStation 5 के टाइम पे भी सोनी वालों ने डेवलपर्स जो अपने डेवलपिंग स्टूडियो हैं उनसे राय लेके ही इसका आर्किटेक्चर ट्राई किया था, तभी 8 GB रैम दी है। नहीं तो सोनी वाले कह रहे थे कि 512 MB रैम उसमें थी तो हम इसमें देंगे मैक्सिमम 2 या 3 GB रैम PlayStation 4 में। तो डेवलपर्स ने बोला कि आप 2-3 GB रैम से फिर वो चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना कि जो आप सोच रहे हो, जो हमने जैसे PlayStation 3 पे करके दिखाया है वो आप स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट मत करना हमसे। तो उन्होंने फिर फाइनली तो डिसाइड किया कि ठीक है फिर 8 GB देनी ही पड़ेगी, करना कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज, और जगह कॉस्ट कटिंग वगैरह करी, रैम में बढ़ाया, प्रोसेसर में थोड़ी सी कट करी। तो रैम इस बार इतनी ज़्यादा इसलिए थी, देख 512 MB से जंप क्या था, 512 MB से सीधा 8 GB पर जंप। क्या चीज है, भाई जब तू कोई डेवलपर बनेगा ना, जब तू कोडिंग वगैरह सीखेगा अगर कभी, तब तेरे को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि अच्छा ये सोच होती होगी भाई एक डेवलपर की कि। और तेरे को पता है जब गेम डिज़ाइन होती है ना तो इस तरह से डिज़ाइन होती है कि उस समय स्क्रीन पे जो चीज़ें लोगों को दिख रही हैं उसमें पूरी रैम यूटिलाइज किस तरह से हो, कि रैम कहीं बच तो नहीं रही, रैम का कोई पोर्शन खाली तो नहीं जा रहा, वेस्ट तो नहीं जा रहा, उसको ऑप्टिमाइज करना भाई बहुत अच्छा बहुत बसूड़ियों वाला काम होता है, बहुत बसूड़ियों वाला। यार। अभी देखो डस्ट स्ट्रैंडिंग पूरी तरह से यूज करेगी है ना, पूरी एक एक भाई पीस प्ले स्टेशन लग फोर रहा है का डस्ट 100 में। परसेंट यूटिलाइजेशन तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 ने भी कर लिया है। लेफ्ट में देख बंदा है तेरे, लेफ्ट में बंदा भाग रहा है हाँ पैदल, लेफ्ट में देख, और लेफ्ट में देख गिरा। अबे तेरी, ओ यहाँ भाई पर मर लाओ गया, दे, सही सही सही। मर गया अपने आप ही मर हाँ गया नहीं नहीं अपने आप नहीं मुझे मरा, नहीं पता चला, तूने ही नॉक करा है। मुझे पता नहीं चला, एक मैंने तो बस बगाड़ी गाड़ी। भाई डेवलपर्स ऐसे काम करते हैं। आज देखने को मिला ना जस्टिफाइड आंसर, तो आज मिला। मैं ऐसे नहीं सोच रहा, मैंने कहा कि इनका मतलब लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि भाई ऐसे करके कि भाई क्यों वो चाहेंगे, भाई क्यों चाहेंगे ऐसा करना भाई, लेकिन हर चीज फिजिबल नहीं होती ना, हर चीज एकदम से नहीं इंप्लीमेंट की जा सकती। ये क्या है, हर एक भी गोली लग रही। ओ तेरी,
What the fuck man? अभी तो यहाँ से आया था, अभी तो यहाँ से आया था। अबे यार। भाई साहब। अरे इसकी टीम पीछे से आई है जिसको मैंने मारा है। भाई अब इसकी टीम आगे चली गई होगी उस। सुन मेरी बात, पूरी तरह से गेम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम, बातों के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गए बहुत ज्यादा। हेलो हेलो हेलो। जी मैं तो अभी तक वहीं पे था। अच्छा एक मिनट मैं उस्ताद को बुलाता हूँ, एक मिनट जस्ट लीव करके मैं उसको बुलाता हूँ। वो रॉकिंग आवाज आ रही भाई। हेलो सोनी। ओए उस्ताद आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। अरे सोल को किक कर दो, करना हो तो। यार ये बंदा अभी तो बोल रहा था बाय बाय यार। साथियों बोल रहा था। ताल आ गया। चलो ये लड़ी। खड़ जा खड़ जा खड़ जा खड़ जा। क्यों हुआ? अब मैंने दोबारा इनवाइट करी, मैंने कोई देख नहीं लिया। आउटफिट पालो। रो भी रेडी करो सारे। अभी क्या हो गया? हेलो मेरी आवाज आ रही है? शिट मेरी गेम क्रैश हो गई। मैन टेंसेंट व्हाट द हेल। बस भाजी भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। अरे यार मेरी गेमिंग क्रैश हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। रेडी करो। अरे गाइस मुझे पता है आप लोग गेम नहीं दिख रही, एक मिनट रुको बस, अब दिख रही होगी। अच्छा भाजी आपने आवाज़ आ रही है आपको अब? हाँ प्रमाण है। हाँ जी भाजी दसो। ओए कौन हो? पिछले मैच में मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी भाई। पिछले तो पिछले जो 16 किल तो पिछले जो 14 किल ठीक है। स्क्वाडा में स्क्वाडा में कल्ला रह गया, सारे मर गए। अपनी गड्डियाँ पर पाई जान लगती जान सिरा सिरा।
यार पिछले मैच विदाउट हेडफोन सीरियसली भाई मैं तो बंदा हुई नहीं यार मैं तो ऐसा लगता है जैसे ना हो गया विदाउट हेडफोन। अच्छा वास्तव भाजी हेलो आपने अपने हेडफोन चेंज कर लिए क्या? अब कौन से हेडफोन? ये जो आप गेमिंग के लिए यूज करते हैं वाइट से कलर के ना, पहले आपके पास शायद कोई और कलर था भाई। वो जो दूसरे वाले हैं वो प्लेस्टेशन के साथ में कंट्रोलर में यूज करता हूं। अच्छा वो कौन सा मॉडल था आपको दिया ना? वो था कॉस्मिक बाइट का था, मैं मॉडल नंबर देख के बता दूंगा भाई, अभी तो पता नहीं है भी कहां, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा वो मेरे रूम में। अभी ये सोनी वाले यूज कर रहे हो? हां ये इनका मॉडल पता है, क्रश करना ब्रो। ओ मेरे को क्यों भाई, मेरे को फॉलो मत करो भाई, मेरे को फॉलो मत करो, मेरे को मत करो, हटाओ हटाओ हटाओ, मेरे को करो, मेरे को करो, इस मर्जी को करो, मेरे को मत करो, साथ हो करो। जॉर्ज पॉल रहने दो, रोजो को चलो या फ्रिज को, अब चिंकी भी जा सकते हैं भाई। मैं सोनी के यूज करता हूं, वही 800 रुपए वाले हैं, 800 900 रुपए वाले। अच्छा अच्छा यार वो एक और मॉडल है ना इसके जरा अपग्रेडेड वर्जन है, वो है लगभग 1800 के विद माइक। यार मैं सही बताऊं देख भाई, इतने मॉडल नंबर हर एक चीज के, मेरे को तो घंटा याद नहीं रहता, मैं तो देखे भी नहीं जो तू कह रहा है। हां नहीं मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं ना कि वो मतलब 1800 के हैं, कुशनिंग वगैरह मुझे काफी अच्छी लगी देख के, मैं सोच रहा था ऑर्डर कर दूं भाई। तू ऑर्डर कर दे और मतलब मेरे को भी बताइयो कैसा रहा रिव्यू, उसके रिव्यू पहले YouTube पे देख लियो, किसी ने अगर अनबॉक्सिंग वगैरह डाली हो कुछ डाला हो। हाँ जी हाँ जी देखा तो है, लेकिन वो ना एक्चुअली मतलब सभी कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा बास है, मतलब म्यूजिक के लिए अच्छी है, मुझे वो चाहिए गेमिंग के लिए, अपने एक टीम है तो अपने PS4 पे गेमिंग के लिए चाहिए मुझे। वेट वेट एक टीम है अपने पीछे, ठीक है ओके भाई। यार अनफॉलो करना था अब मुझे, मिस नहीं मिल गई यार, मैं नीचे गिर गया यार, फक मैन। अरे अरे अनफॉलो करके ना जरा, जब जैसे पैराशूट खुलता है अनफॉलो करके अपने हिसाब से करा कर। ये कहां पे है कूलर भाई? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे को कूलर, मेरा बंदा है भाई, मेरा अरमान उधर बंदा है, ये लो कर लो कर लो कर लो, मार दे मार दे मार दे। 7 की एमओ चाहिए किसी को? ये भाई 7 की गन जरूरी है, AKM फेंक रहा हूं, 7 की एमओ दे दो, अगर गन नहीं मिली किसी को, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, अरमान ऊपर, रानी चाहिए, रानी आउंदी M4 तो है कि क्या, अच्छा M2 पर, ओहो तेरे में आ गया, तो अभी आ गया, थैंक यू। बस भाई गन वगैरह मिल गई? हाँ मिल गई भाई, मिल गई मिल गई मिल गई भाई, अगर मिनी चाहिए किसी को तो मैं से ले लो। I got supplies. जरा किंग जरा कम बोल रहा है, जरा कम बोल, ठीक ठीक कौन है आइटम? ओहो हो ओहो मैं से ले, I got supplies. अच्छा UMP पे ये चाक लो जिन्हों गन नहीं मिली। ब्रो गिव मी गिव मी गिव मी। परमाणु से बंदे आ ध्यान रख, चल मैं आ रहा था। हां जी हां जी पता मुझे। ये चक्कर पता की है, पिछले कंटेनर वाले भी बंदे आ इधर। एनिमीज अहेड। जाओ ऊपर कोई टेंशन नहीं। मैं थर लोग में एक दो ना। ध्यान से ध्यान से सभी एक ही तरफ रश करना, दूसरी अरे यार चार नंबर दूसरी तरफ होता भाई। अरे चार नंबर तो इंडियन सोल्जर भाई है। आ रहा हूं तुम्हारी तरफ, यहां लगे मत जाओ। आ गया मैं, आ गया उस साइड जहां पे मैं था वहां पे बंदे हैं। ओए अबे नहीं 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 भाई भाई आ जेड़ा छोटा टावर है, आ जेड़ा छोटा टावर है ना इधरले पासे, पौड़ी जी लगी है इधर, वेच बड़या फिरदा है, मैनू पता नहीं लगया है, रुके बैठा टावर मान मरियो मत बस। नहीं 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 मैं तो सभी सेफ हूं, आप बस इसको मारो आराम से, घास में लेटा हुआ है, ये रहा सामने लेटा हुआ है टावर के,
पीछे से बंदा आ गया यार, ये कब आएगा? बात है एक और बंदा आ रहा है अपने लेफ्ट से। हाँ जी ते तुम जिधर वेख रहे हो बस इधरों ही आ रहा है। आ गया 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 एक और आ गया एक और आ गया उसी तरफ से एक और आया उसी तरफ से एक और आया। ओह शिट यार बहुत कमाल का खेले यार। कोई नहीं यार एक गलत हो रहा काम यार। ये इतना गंदा कैंपर यार खाद्य की ग्रास में कौन छिपता है यार भाई। ग्रास में छिपा में दिखा ही नहीं भाई हद हो गई। मान कर रहे भाई जी। अच्छा किंग आ गया, ये किंग पहले गया वो था। तो भाजी ग्राफिक्स ना एक्सट्रीम करके यार फ्रेम रेट एक्सट्रीम करके ना ऐसे तो गेम बढ़िया हो जाती है बट मेरा हेडेक होने लग जाता है यार। कपड़े दो के भाई सोल्जर भाई। नहीं नहीं अबे नहीं भाई नीचे कपड़े वो अलग से दिखते हैं घास में कपड़े। भाई हेडेक होने लग जाता है तो फिर वो फ्रेम रेट मतलब तेरे को इतने ज्यादा स्मूथ लगते हैं कि तेरे को हेडेक होने लग जाता है। नहीं नहीं वो मतलब फ्रेम रेट्स तो स्मूथ हो जाते हैं लेकिन जो इसकी ग्राफिक क्वालिटी है वो बिल्कुल मतलब लो हो जाती है फ्रेम रेट स्मूथ करने से। जब मैं फ्रेम रेट अल्ट्रा रखता हूँ तो कौन से फोन पे खेलता तब आईफोन एक्स। आईफोन एक्स पे फ्रेम रेट अल्ट्रा और साथ में सब कुछ हाई पे नहीं चलता? नहीं फ्रेम रेट और ग्राफिक्स तो मतलब फुल एच डी चल जाते हैं भाई। ग्राफिक्स एचडीआर में भाई जॉर्जो मत जाओ, जॉर्जो में यही होता है हमेशा यार किसी अच्छी जगह लूट चल लूट करके फिर छपने जॉर्जो। किंग ना तो तू खुद अपनी बात कर रहा है ना तो मुझे मेरी बात करने दे रहा है यार कमाल है। यहां तो तू खुद बोल किंग रुक एक मिनट रुक एक मिनट किंग रुक तू अरमान तू बोल क्या कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूं कि ग्राफिक्स जब बिल्कुल लो जाते ना तब मुझे एक ऑप्शन शो होता है अपने फोन पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट का और अच्छा। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ ग्राफिक्स मतलब हाई रखता हूँ फुल हाई रखता हूँ ना जब मैं ग्राफिक्स तब एक्सट्रीम से एक स्टेप मतलब कम वाले फ्रेम रेट मुझे शो होते हैं जो कि अल्ट्रा है। अल्ट्रा पे अच्छा जी। तो यार अब ये तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, तो जैसे तेरे को जो जिसमें सर दर्द ना हो वो ही रख चाहे फ्रेम रेट थोड़े कम हो। मजा भी नहीं है वैसे फ्रेम रेट बिल्कुल एक्सट्रीम करके ना ग्राफिक्स लो करने का कोई मजा नहीं है खेलने का। मजा ही मजा भाई नॉट अ प्रॉब्लम। अरे वो तो मुझे पता है कि गेम स्मूथ काफी फील होती है बट वो रियलिस्टिक सी फीलिंग नहीं आती ना बिल्कुल भी। नॉट अ प्रॉब्लम जीएफएक्स टूल आईफोन वाले पास नहीं ना आया नहीं तो फिर ना एचडी पे भी एक एक्सट्रीम चलनी थी। हां नॉट अ प्रॉब्लम एंड्रॉइड से चल दी है HDR। यार मैं भी सोच रहा था S10 खरीदूं कभी टाल मर जाता हूं कभी दोबारा सलाह बन जाए S10। अरे यार लेकिन यार Samsung के फोनों की सबकी यही वसूली है यार। मेरे दोस्त का S9 है कह रहा है वो इतना स्लो हो गया भाई ऐसा लगता है कि भाई जब पहले लिया था। अरे भाई तो इसी वजह से मैंने आईफोन पे अपग्रेड किया मतलब एक साल यूज कर लो एक साल के बाद वो मुझे तो वेस्ट ही लगता। बंदे आगे बंदे आगे बंदे आगे कह रहा मैंने फिर कह रहा मैंने पूरा फोन फॉरवर्ड मारा सब कुछ डिलीट कर दिया उसके बाद जाके फिर थोड़ा सा ठीक हुआ है। हां वही 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 मैंने भी ऐसे किया था। वाजा भाई आपके पास कौन सा फोन है? अरे इस तरफ बता ना बंदे बहुत हैं। तो 2 मिनट किंग ये बात बाद में करेंगे ठीक कोई बंदों को इस तरफ कोई मत आना अभी
अब सिर्फ तीन बंदे हैं, एक को मैंने मार दिया। मेरे पे बंदे आ रहे हैं इधर। चलो गन मिल गई, अब ठीक है। फरमाना ही मारा गया। आया भाई एक मिनट, मेरे इधरों पे आएंगे ना। किसी किधर आ रहे हो? आस पास से होना मैं चाहूँ। Enemies ahead. अच्छा अगले कार बच्चों। हाँ दिखे दिखे दिखे। लेट तो मैं करता सी आज चकता। कुछ कर दो। इधर कर बच्चे दो भी नहीं इधर, दो भी नहीं इधर है। ओह शिट। दो भी नहीं उत्ते हैं, दो भी नहीं उत्ते हैं। मैं कर बच्चे बेस बच्चे। ओए मेरे वाले कर बच्चे यार। मैंने उधर बड़ी फिर दियो। सारी टीम ही उधर बड़ी फिर दी। शाबाश है तुम्हें। ਤਨਾ ਤਨਾ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇਖ ਲੈ। ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵ ਦੋ ਕਿੰਗ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਉਂ ਟਕਾ ਦਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਤਾਓ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਤਾਓ। ਰੁਕੋ 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 ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੇ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ अबे तू टीवी ऑडियो कम करना अपनी। करो। मैं ये सोच रहा हूँ मेरा माइक कहीं ऑल पे है कि एकदम से टीवी की आवाज़ कहाँ से। पहले मैं ध्यान नहीं दे रहा था। किसी पास ड्रिंक है? हाँ मेरे पास है भाई। यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ मेरे पास। अबे दो ड्रिंक ड्रॉप कर रहा हूँ। रमान है? हाँ जी भाई। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰੀ ਸਕੁਐਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਵਸ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਰ ਦੇਗੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ओए यार मेरे साथ इतना माड़ा क्यों? नहीं 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 यार मान। नहीं 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 मरियो मत, मरियो मत, मरियो मत, मरियो मत। गया गया। ओह फक मैन यार। अरे यार मेरे मुझे कैंपर क्यों टक्करते? आराम से बंदे ने टाइम लेके मुझे बिल्डिंग के पास आने दिया फिर जाकर। अरे क्या कर रहे हो बे, क्या कर रहे हो? खड़खड़ मारने दे। कोई कोई नहीं, मैं देख। ये एक लेफ्ट वाले भी है, एक राइट वाले भी। वो देखो टॉप 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 टॉप। भाई 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 कार में गेट भाई यहां पे है। एनिमीज अहेड। कार 98 ड्रॉप कर दे भाई। ड्रॉप करना। वेट वेट मैं देखता हूं। इनको मार लेते हैं किसी की। कार 98 ड्रॉप कर दे। रुक जा। वो रहा ऊपर साइड में, साइड में एक राइट साइड वाली बिल्डिंग में भी है ध्यान से। वो नीड कर रहे हैं भाई। रुक मैं पीछे से जा रहा हूँ, तू उनको आगे अटका के रख। ओके भाई ये रश करवा दे। चलो बाद में इस जगह को लीव करो। मक्कर नंबर तीन। स्टार भाई इस जगह को लीव करो, वो लोग घूम के आ सकते। और अगर मेरे क्रेट तक पहुंचा जाए तो मेरे क्रेट में 3x बॉडी शॉट। तो हॉरिजॉन्टल साइड से ये आप की कर रहे हैं? ये तो वैसे ही भाई की आइटम है। हे होए रिवाइव ना ही करी तू चंगा था। ओए यार थोड़ा बोट लैदा मरू। अच्छा वासु भाजी इसके बाद जा 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 भाई जा। इधर ऊपर इधर मार दे जट ना। इधर जिंदा बैठे है यार। आई पता इन्हों रिवाइव कर रहे। जिंदगी लंघ गई मेरी पते नंबर में। यार बड़क 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 के गोलियां खाती है ने भाई। एक एक वर्ड होता ना अड्डिया चक चक फा लेना वो कितना है ने। साला सपेरा भाई आज सपेरे क्यों मिल रहे हैं भाई? हद तो हुई यार ये तो यार।
दो मिनट बस भाजी मैंने उसको निकाला कोई नहीं इसको बुला डीसी आ गया डीसी आ गया डीसी को बुलाया हाँ डीसी को बुला रहा हूँ डीसी को बुला रहा हूँ यार ये आए तो है ना पता ही नहीं है ये बंदा भाई हद हो गई डीसी की यार वो तूने उस दिन से पंगे ले लेते ना तब से नाराज है नहीं 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 वो तो बात हो गई सुना हो गई के बाद तो हमने 35 भी लगा लिए ये EOS और इंपैक्स को बुलाऊं क्या साथ कौन है EOS का बंदा है और इंपैक्स यार राहुल चिरानिया अरे राहुल चिरानिया को बुलाऊं भाई ये बहुत तगड़ा खेलता है भाई यार अजी अरे यार ये दक्ष किधर चला गया ऑफलाइन हो गया दक्ष तो बुला लो राहुल को यार ये यूएस वाले बंदे काम प्राउड में पहुंच गए यार यूएस वाले ईओएस है ताड़ा पहले वाला क्लैन भुल गए बड़ा गंद बंदे यार की रब ने बनाए ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ ਚਿਰਾਨੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਰਾਨੀ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗੋਡਲ ਅਦਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲੂੰ ਗਰੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਖੱਚੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੰਕਰਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਵਾਂ S6 ਬੁਲਾ ਲੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲੂੰ ਆਟਾ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਈਗਲ ਪ੍ਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸਕੋ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਚਿਰਾਨੀਆ ਕੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲੌਬੀ ਮੇ ਆ ਜਾ ਹਮ ਲੌਬੀ ਮੇ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੂੰ ਇਸੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਇਸਕੇ ਸਾਲੇ ਕੋ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਰਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਯਾਰ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੀ ਪੱਤਦਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਇਹ ਵੁਲਵਰੀਨ ਮੋਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਈ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਸੰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥਾ ਉਸਨੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਥੀ ਨਾ ਉਸਕੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਲੈਗ ਹੋਈ ਰਹੀ ਥੀ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਕੋ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੀ ਲੈਗ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਢੇ 300-400 ਪਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਉਹ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਓਮ ਕੀ ਗੋਲੀ ਉਸਕੋ ਤਬ ਵੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਜਬ ਉਸਕੀ ਗੋਲੀ ਮੁਝੇ ਪੜ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੀ ਸੋਹ ਖਾ ਕੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੀ ਸੋਹ ਖਾ ਕੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਦਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਬੱਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਪਰ ਬਚ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਚੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਬਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਉੱਥੇ ਝਾੜੀ 'ਚ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਝਾੜੀ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਔਕਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ 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 ਉੱਤਰ ਛੇਤੀ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੌਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਇਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਬਾਈ ਅਰਜੈਂਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਐਮੂਲੇਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਬਾਰ ਬਾਈ ਐਮੂਲੇਟਰ 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 ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਐਮ ਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੇ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਨੌਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਦੇਖੀ ਰਿਵਾਈਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਝੰਡ ਲਵਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਬਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਲਥ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਅਰੇ ਤੇਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਕਸ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਕਿ ਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੁਲਵਰੀਨ ਅਕੇਲਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਬ ਕਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੁਲਵਰੀਨ ਅਰਮਾਨ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸ਼ਿਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸਿਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੁਲਵਰੀਨ ਬਾਈ ਦੋਨੇ ਮਾਰਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੌਕਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਡੀ ਹੈਲੋ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਮਾਰਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੂਟ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜ ਛੱਪੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਦ ਵੀਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸਟੈਪ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਾਦ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਨਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
3x ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 3x? ਛੋੜ ਦੇ ਮੋ ਮਾਇਆ। ਸਪਰੇ ਸਪਰੇ ਮਿਡ ਮੇ ਸਪਰੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਨਾ 3x ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਬਸ ਭਾਈ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 3x ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੜਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ 4x ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਰਿਹਾ। I got supplies. ਹਰਮਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੋਟ ਆ। ਯਾਰ ਅਭੀ ਇੱਕ ਸਨਾਈਪਰ ਚਾਹੀਏ। ਬਟ ਡੀਪੀ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਟ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ। ਮਿਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਆ ਮਿਡਲ ਰੇਂਜ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੋਰਜਾ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾ ਗੋਡਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਰੋਜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡੀਪੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇੜ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਜੱਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਬਈ ਰਾ ਹੁਣ 79 ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਕ ਤੇ ਏਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਿਆ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੈਕ ਤੇ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਕ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝਾੜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ। ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੋਗੀ। 302 ਵੱਖਰਾ ਕਲੈਨ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ 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 ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਿਖ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁੱਲੇ ਆ ਜਾ ਜਲ ਲੰਮੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕਵਰ ਲੈ। 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ 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 ਮਾਰ ਕਵਰ ਲੈ। ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ। ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਲੇਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੇਗੇ ਕਿਆ ਜਮਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ। ਸੋਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਹੋਰ। ਨੋਵੋ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵੋ ਵਾਲੀ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਬਾਏ 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 ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬਾਏ ਵੀਰੇ। ਜੀ ਅਬ ਨੋਵੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ। ਯਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਂਪ। ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਂਪਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਂਪਿੰਗ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇਗੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਂਪਿੰਗ ਤੋੜਨੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੂਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਲੇਅਰ ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਤਾਂ 3 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और ही गाड़ी उठाओ गाड़ी उठाओ वुल्वरीन तेरे साथ जा रहा हूं गाड़ी की तरफ मैं पास में यार मैंने 1-2 बजे सोना शुरू कर दिया ना कहाँ चलना है अरमान बता नो 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 वो चलना है भाई ये लैंग्वेज हाँ जी हाँ भाई हूँ तो मतलब मैं थोड़ी बहुत मिक्स कर करी रखता हिंदी हिंदी से बात करने के लिए यार नो दादा आ गया मतलब तेरी गंगानगर राजस्थान ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਰਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਗਾੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਲੀਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੋ ਪਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਂਪ ਕੋਈ ਜੀਵ ਫੜੀ ਹੋ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਯਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵੋ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਚੋਂ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਬ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨੋਵੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਵੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਵੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਹੋਊ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਉਹਦੇ 235 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ 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 ਲਾ ਲਾ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੈ ਜੋ ਬੈ ਜੋ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ 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 ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੜਾ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ किनारे किनारे से लेफ्ट ले लेना किनारे से अरे यार नीचे थल्ले हाँ थल्ले अभी लेफ्ट ले लो सीधा सीधा जाते रहो यार मेरी गेम बहुत लैग हो रही है मेरी गेम बहुत लैग हो रही है आप सीट चेंज करो सीट चेंज करो सीट करो मैं बस आ जाओ आ जाओ ये वाली थी क्या नहीं 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 जीप थी जिद्दा नहीं साडी है ना ओदा ओरे 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 सामने 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 बंदे 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 आया ये खो रहेगा नहीं 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 यही जगह ਡਰੈਕਟ ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਡਰੈਕਟ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਡਾਲਨੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਬ ਕੇ ਬਾਈ ਕੇ ਨੌਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਤਨਾ ਯਾਰ ਮੈਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਨਾਈਪਰ ਚਾਹੀਏ ਯਾਰ ਇੱਕ ਡੀਪੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਗਏ पानी तो जाना है फिर ब्रिज से चलते हैं एक काम करते हैं दोनों गाड़ियां उठा लो मैं पहले जाऊंगा चांस का अगर कोई नहीं 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 वो देखो चिंता नहीं कर तू वो दी चिंता ना कर यार एक तो मोटर मोटर बड़ा लोगों ने ना रख आदा ओरिजिनल नाम बनाओ ਯਾਰ ਬਾਈ ਉਸਤਾਦ ਬਾਈ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ
इनको हर दूसरा बंदा ना अभी जैसे यार पता नहीं पीछे एक रिसेंटली एक बात हुई थी कई बंदे थे गड्डी है गड्डी है बात होगी क्या बोल दे एंड लेकिन यार मेरे ख्याल से स्मॉल ही नहीं कौन है स्मॉल है स्मॉल है तो देखना भी गड्डी स्मॉल है यार भाई बंदे ना मतलब ऐसे रैंडम बंदों को मैंने देखा है कि वो लोग चैलेंज कर देते हैं अपने दोस्तों को कहते हैं उस्ताद को मार के दिखा अभी एक लाइव स्ट्रीम थी कैरी मिनाती की लाइव स्ट्रीम थी हाँ कैरी मिनाती कह रहा था ना चैलेंज दो एक ऐसे ही बंदे ने लिख दिया कहता कहता उस्ताद के साथ एक मैच लगा ले पता लग जाए नहीं नहीं इसको मैंने कहा यूट्यूब चैनल बना यार तो कर अभी पाजी ये अभी जॉर्जिया बॉल में जो इसने बंदे मारे ना विदाउट ईयरफोन विदाउट की वरना शायद विदाउट ईयरफोन कुछ मतलब कानों में नहीं यूज़ कर रहा था उस फोन की बैटरी हो गई मेरे नाल ना एक बंदा एसी भी गया है ना एसी भी गया उधर नाम है ते उन्होंने ना पूरी ओआरबी ते कॉफी ग्लैंड दोनों एक को मैच ही दोनों कल्ले ने मंगाई है कोई कर दें दे भाई करने वाले ਕਨੈਕਟਡ ਬਲੇ ਯਾਰ ਐਸ ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਈਕਿਊ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਸੁਣੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੇਮ ਅਟਕ ਕੇ ਨਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਲੈਗ ਲੂਗ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਸ ਉੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਰੇ ਹਜੇ ਆਈ ਹੈ दो जने जाओ या फिर मैं कोई और वहीकल दूं नहीं फिर अगर भर गए तो फिर क्या फायदा यार ऐसे फॉर्म से भर ले जाएगा अभी रह देख जब जा दिया पर दोनों नो को उसकी पता तू काम आ जाए अरे 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 मैंने एक और गड्डी मिल गई कि आप दिया गड्डी उठाओ आज फोन चल रहा है भाई मेरे साथ बैठो ये दार नंबर कर रहा है सुन वुल्वरीन अगर भाई बंदे होंगे मैं रोकूंगा नहीं गड्डी गोलियां चलाना रही ठीक है मैं कट लूंगा आपके ਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਕਰਤਾ ਲੋਕ ਕਰਤਾ ਸਿੰਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੁਲਵਰੀਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਘਰ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਅਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਚ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਕਰ ਦਿਆ ਗਾੜੀ ਕਾ बंदे आ गए इधरों एक होर आ गया आप
ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਲੂਟ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਸੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੁਆਡ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੇਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਗ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇਸੇ ਕੇ ਪਾਸ 5.56 ਹੈ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ M249 ਆ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਯਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰੋ 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 ਮੇਰੇ ਪਾਸ M249 ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਕਰਨਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਨਾਈਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕ ਰਸ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਟ 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 ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਗ ਸੇ ਪੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਮੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਉਹ ਸ਼ਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਗ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਮੇ ਵੁਲਵਰੀਨ ਲੈਫਟ ਮੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਵੀ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਵੁਲਵਰੀਨ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਰਸ਼ਮਤ ਕਰ ਰਸ਼ਮਤ ਕਰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤ ਲੈ ਵੁਲਵਰੀਨ ਟੀਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਸਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਮੇ ਜੋ ਰੂਮ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੋ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਮਾਰਾ ਯਾਰ ਜੈਸੀ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਮਾਰਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੋਰੀ ਆਹ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਮੁਝੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਥਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇਨ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਗਰੋਜ਼ਾ ਬਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੌਪ ਟ੍ਰੌਪ ਲੂਟੇ ਕਿਸਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਮੇ M249 ਨੇ ਮੈਂ ਲੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੂੰ ਉਠਾ ਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਠਾ ਲੇ मैं इससे मारूंगा डीपी से मैं होता तो मुझे जरूर चाहिए थी फोन कर रहा था वुल्वरीन कितने तक एडी रेशो मेंटेन किया वीरे मैं इस सीजन गेम खेल नहीं गया फिर भाई तू डांस कर रहे इस सीजन में ਉਨ ਘਰੋਂ ਮੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪੇੜ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੌਪ ਰੋਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ M249 ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਨ ਘਰੋਂ ਮੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਨਾਈਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨ ਘਰੋਂ ਮੇ ਆ ਗਏ ਥੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਜੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਥੇ ਨਾ ਗਾੜੀ ਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨ ਘਰੋਂ ਮੇ ਆ ਗਏ ਇਧਰ ਦੋ ਕਾਂਟੀ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਥੇ ਅਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਇਧਰ ਆਓ
सड़क के बीचों पे तो बीच। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे लगा ऐसा कि नहीं, हाँ कोई है नहीं है मेरे। इस साइड है जरूर बंदे यार वो जो अभी अभी जो तो। ड्रॉप था ना वो ड्रॉप के पास है भाई, अभी जो ड्रॉप यहाँ पे धुआं उड़ रहा था जिसमें से। सर्कल सर्कल से बन जाए आखिरी मजा आ गया। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਐਨਮੀਜ਼ ਅਹੈਡ। ਅਕੋਸ ਡੀਪੀ ਹੈ, ਡੀਪੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਈ। थ्री टू वन सर्कल कितने? ओ यार हो गया काम। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी सर्कल में इंट्री आए। ये वाली गाड़ी उठा लो बार बस खड़ी ना। अरे गाड़ी उठा के जाना, ऐसे मत जाना पैदल, लोग घेर लेंगे। नहीं तो फिर भाई अगर गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी तो बहुत इजी टारगेट है भाई, फेल देंगे वो सारे मिलके। नहीं 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 गाड़ी क्यों इजी टारगेट है? गाड़ी इजी टारगेट नहीं है, हम गाड़ी से जाएंगे पर इज पर ही रुक जाएंगे। ठीक है तो वैसे तुम लोग इजी टारगेट बन जाओगे क्योंकि मैं चलाऊंगा तू चलाएगा। ओ शिट आई चेक भाजी, इतनी पीक करके राउंड ना बैठे हो होगी तो सही। वो रे बंदा दिख रहा है मुझे। अब दिखेगा, अब दिखेगा। सीधा पटते हेडशॉट मारा कमीने ने। अभी लाओ हेल्थ लाओ। चलो 30 सेकंड रह गए, भाग लेना फटाफट, इनसे पंगा मत लेना। एक बार इधर जाके रश मारो भाई, जल्दी हेल्थ लाओ तो जल्दी मेरी रिंक लाओ। मैं कभी आके यार व्हाट्सएप भाजी M249 ने भी नहीं उठाई यार, कमाल कर। लिक्विड 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 इन्नू बोल दे, बोलूं की कह रहे हैं तू? मैं कहा जल्दी से बैठे जल्दी से। चलो 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 बस पाजी जहाँ पे वहाँ से। अरे यार पाजी जरा और ऊपर यार, वो एंगल नहीं आ रहा ना, जरा एंगल आंदा ना। ओ आपके पास एक काम करो या फिर स्मोक फेंक दो और घर के पास चल। आसपा जी अगर ना आपको कोई थ्रो वगैरह करना हो ना नेड वगैरह तो पीक कर लिया करो ना, तो बंदा बाहर आता है और हाथ जरा मतलब बाहर की साइड होके जाता है, पानी से फेंका। भाई स्मोक को कितना मैं कितना यार स्मोक वो उनके पास जाने के लिए उनके उन्होंने हुन डिस्ट्रैक्ट करता स्मोक ना भी बोल रहे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हुन। पता पता की होना हुन पता की होना हुन ना होना ते फाइट दो अपना और बंदे लेफ्ट तो चलिए लेफ्ट तो चलिए लेफ्ट तो नहीं नहीं डिस्ट्रैक्ट हो चुके एक आप इतों ही जावांगे आप राइट तो जाना है। हाँ पिछे भी पिछे ध्यान हो गया उन्होंने अभी भी 3 मीटर बाहर हो पर आप रोड चल पड़ा उसके बाद जाना ही पड़ेगा। उन्होंने नहीं पता होना थे गया जेल। हाँ पता है नहीं पता उन्होंने वो स्मोक देते कर दे वैसे नेड मतलब डाउट पे रहूं भाई ना पिछो दी ना कोई आ जाए यार। पास भाजी आपके पास हेलमेट रही है मैंने पता है डायरेक्ट फाइट को डायरेक्ट फाइट को इग्नोर करना। मुझे लग रहा है ना एक बंदा वॉल के पास है, वॉल के पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। वॉल के पास लेट कर दो तो भाजी ये जो वॉल है ना ये ब्रेक ब्रेक वॉल है दिख रही है इसके पास एक बंदा है भाई। इसके पास बंदा होता तो इधर नेट जरूर करता मेरे पास 100%। नहीं यहाँ पर छिपा हुआ है आया हुआ भाजी अभी मैं सब अंगू अंगू वहीं के पास आके कवर ले लो। चल चल अरे आप इस कर में घुसो
नहीं, घर के अंदर कहीं नहीं घुसना भाई, घर के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। टाइम वगैरह फेंक दो फिर करोगे अंदर। ओ राइट, वो रे राइट साइड वाले घर के पास। हां पता है, एपी 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 है बंदा। किधर फरमान भाई? वो भाई वो स्क्वाड हाउस में घुस गए दो तीन। गुरविंद छुपा रहे थे, ये भी छुपा रहे, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दे, उनको नहीं पता हम लोग किधर हैं। लेफ्ट से, अरे लेफ्ट से, अरे लेफ्ट से, अरे लेफ्ट, अरे मारो तो सही ना, जब मौका है तब मारा करो। अब वो टीपी भी लेगा, रुको रुको रुको, यहाँ पे टीपी भी ले लेगा। अब जाने का फायदा नहीं, दो बंदे यहाँ पे नेड कर दे, नेड कर दे। ओ भाई बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। उसने उसने दूसरी जगह पे नेड के, इसने उसके ऊपर मोली कर दी। बहुत सही, जी जी डैमेज फिर भी मेरा ही ज्यादा है। सीजन 6 की मेरे ख्याल से पहली किल, पहली विक्ट्री है ये, पहला चिकन डिनर। चलो गाइस दैट्स इट, थैंक यू सो मच।